हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को स्वागत है अर्चना किचन कानपुर में। तो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी परवल की सब्जी, सिर्फ परवल अकेले। तो यहाँ पर मैंने पाव भर परवल लिए हुए हैं और इनको मैं छील लेती हूँ और इनका छिकला मैं हटा देती हूँ। और छिकला हटा के आज मैं बनाऊंगी परवल। बहुत अच्छी बनती है, एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं परवल छील लेती हूँ और ये देखिए परवल हमारे छिल गए हैं। और परवल को मैं लंबाई में काट लेती हूँ, एक एक लंबा लंबा हिस्सा कर लेती हूँ और लंबाई में काट के फिर मैं बनाऊंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं लंबाई में मैंने काट लिए हैं। और यहीं पर मैं ले लेती हूँ दो प्याज और दो तीन कलियाँ लहसुन की और इनको मैं चॉपर में बढ़िया से काट लेती हूँ, बिल्कुल बारीक बारीक से। और बारीक बारीक से काट के और मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ लहसुन भी और चॉपर में बढ़िया से काट लिया, एकदम बिल्कुल महीन आ गई हूँ किचन में। देखिए, यहाँ पर मैंने कढ़ाई रखी हुई गैस पे, तेल को डाल दिया है और तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ जीरा, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ जीरा और जीरा को अच्छे से चटक जाने देते हैं। और यहाँ डाल देते हैं लहसुन और प्याज और इसको बढ़िया से ब्राउन कर लेते हैं। तो दोस्तों, धीमी धीमी आंच में मैं इसको ब्राउन एकदम दो तीन मिनट तक बढ़िया से पका लेती हूँ। और पकाने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा डालूँगी हींग और हींग डाल के इसको भी मैं बढ़िया से पका लेती हूँ। और आप देख सकते हैं कि बढ़िया से पक चुकी है। और यहीं पर मैं डाल देती हूँ टमाटर, जो मैंने एक टमाटर चॉपर में बिल्कुल बारीक बारीक से काटा हुआ है और टमाटर को भी बहुत अच्छे से पका लेते हैं। दोस्तों, टमाटर पक गए हैं, यहीं पर मैं डाल देती हूँ मसाला। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक चम्मच गरम मसाला, एक आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ आधी चम्मच धनिया। और इनको बढ़िया से मिक्स करके बढ़िया से मसाला भी पका लेती हूँ दो तीन मिनट तक। और मसाला पका के फिर मैं डालूँगी इसमें परवल। तो यहाँ पर दोस्तों, आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है। और यहीं पे मैं डाल देती हूँ परवल और परवल बढ़िया से डाल के इनको मैं अच्छे से मसाले में बढ़िया से मिक्स कर देती हूँ। और मसाले में मिक्स करके, और दोस्तों एक भी पानी नहीं डालना है क्योंकि मसाले एकदम बिल्कुल सूखे सूखे से बनाना है परवल हमको। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बढ़िया से देखिए मिक्स कर दिए हैं और यहीं पर मैं ढक्कन बंद कर देती हूँ और ये सब्जी मैं पका लेती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जी हमारी पक गई है बढ़िया सी परवल आलू की। और यहीं पे मैं डाल देती हूँ हरी धनिया, और हरी धनिया डाल देती हूँ। धनिया डाल के आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया मेरी परवल की सब्जी बनी है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी रेसिपी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर मैं पलट लेती हूँ एक कटोरे में